हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। ये बनाने में आसान है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमने फ्रेंड्स इसमें दो कलर से बनाया है। ये इसका देखिए फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें 16 फंदे डाले हैं। देखिए पहली लाइन है एक बिना बुने, और फ्रेंड्स पूरी लाइन आपने इस तरह सीधी बुननी है। पूरी लाइन सीधी बुन लीजिए। फर्स्ट लाइन देखिए, सेकंड लाइन हम एक बिना बुने और पूरी लाइन हम इस तरह से उल्टी बुन देंगे। थर्ड लाइन हम फ्रेंड्स पूरी सीधी बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ लाइन अब हम पूरी उल्टी बुनेंगे। देखिए हमने चार लाइनें बुन ली हैं फ्रेंड्स। अब हम दूसरा धागा इसमें लगाएंगे। देखिए एक हम बिना बुने लेंगे इस तरह से, और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है हमारी यहाँ से एक दो, यहाँ से नीचे से सेकंड में यहाँ से हम एक बड़ा सा फंदा निकालेंगे इस तरह। देखिए फिर हम दो सीधे बुनेंगे, एक और ये दो, और देखिए फ्रेंड्स फिर इसके बाद यहाँ से ये देखिए बीच में से यहाँ से हम एक बड़ा सा फंदा उठाएंगे जाली में से इस तरह। फिर दो सीधे, और ये देखिए जो हमारा बुना हुआ ना ये बीच में जो देखिए जाली मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से देखिए इसमें से हम एक फंदा इस तरह से बड़ा फंदा निकालेंगे। फिर दो सीधे बुनेंगे, और देखिए देखिए एक दो यहाँ से निकालेंगे, ये एक दो दूसरे दो छोड़ के यहाँ से इस तरह से हम एक बड़ा फंदा निकालेंगे, दो सीधे बुनेंगे और इसके अंदर से इस तरह से हम एक बड़ा फंदा निकालेंगे, दो सीधे बुनेंगे, एक दो इसमें फली के बीच में से नहीं, फली के बीच में जो एक जगह होती है ना ये इसके अंदर से निकालेंगे फ्रेंड्स। फिर दो एक, और ये दो, ये देखिए यहां से एक फंदा निकालेंगे, बाकी दोनों फंदे सीधे बुन देंगे। ये हमारी पांचवी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब पांचवी लाइन कंप्लीट हो गई। अब छठी लाइन देखिए बहुत इजी है, एक बिना बुने ये पूरी उल्टी बुनी जाएगी फ्रेंड्स। ये उल्टा, लेकिन जो हमने बड़ा फंदा बनाया था ना ये वाला, देखिए इसे बुनना नहीं है, इसे सिर्फ सिलाई पे ही लेना है। बाकी ये दो उल्टे, एक बिना बुने, दो उल्टे, एक बिना बुने, दो उल्टे। देखिए ये वाला फंदा जो हमने बीच में से खींच के निकाला है ना ये बड़ा वाला, इसे बुनना नहीं, इसे सिर्फ इस तरह सिलाई पे लेना है फ्रेंड्स। इसे सिलाई पे ले लीजिए और दो उल्टे इस तरह से इस लाइन को पूरी कंप्लीट कर लीजिए। सातवीं लाइन फ्रेंड्स ये देखिए, सातवीं लाइन है एक बिना बुने, और ये देखिए ये जो बड़ा फंदा था ना फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक फंदा और ये बड़ा फंदा, इन दो फंदों को इस तरह पीछे से एक सीधा बुनेंगे और एक फंदा छोड़ देंगे। ये जो बड़ा फंदा है ना फ्रेंड्स, इसके साथ फिर पीछे वाला भी बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये फिर एक फंदा उतार दिया, और ये जो बड़ा फंदा है इस फंदे के साथ, यानी कि बड़े फंदे को दोनों तरफ बुनना है, इधर भी और उधर भी दोनों फंदों के साथ। ये देखिए ये रहा हमारा एक फंदा और ये बड़ा फंदा। तो पहले हम पीछे से इसके साथ बुनेंगे, फिर इस फंदे को एक को निकाल देंगे, फिर इस बड़े फंदे के साथ पीछे वाला फंदा भी हम पीछे से ही बुनेंगे इस तरह। देखिए समझ तो आ रहा होगा ना फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत इजी और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये देखिए इस तरह।
ये इस तरह, फिर ये दूसरे पीछे वाले फंदे के साथ बुना जाएगा, बड़ा फंदा इस तरह से देखिए आएगा। तो खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स, देखिए छोड़ दीजिए और इसे पीछे वाले फंदे के साथ भी बुन लीजिए, फिर इसे इस फंदे के साथ बुनिए और एक छोड़ दीजिए और इस बड़े फंदे के साथ पीछे और आगे दो बार इसे दो फंदों के साथ बुनना है। लास्ट वाला फंदा फ्रेंड्स उल्टा बुन लीजिए। देखिए डिजाइन तो कंप्लीट हो चुका है, अब जो लाइन बुनेंगी आप फ्रेंड्स, आठवीं लाइन, अब जो लाइन बुनेंगी आप वो पूरी फ्रेंड्स इस तरह आप पूरी लाइन उल्टी बुनेंगी। देखिए देखिए अब हम इसके ऊपर लाल वाला धागा लगाएंगे एक बिना बुने, और ये देखिए लाल वाला फंदा एक और ये दो, दो फंदे सीधे और ये देखिए ये जो है ना यहाँ से फ्रेंड्स एक और ये दो, दूसरे में आपने डाल के एक बड़ा फंदा बनाना है इस तरह, फिर आपने दो सीधे बुनने हैं सीधे, एक बड़ा फंदा इस तरह, फिर दो सीधे एक और ये दो, दो सीधे एक ये बड़ा फंदा इस तरह, फिर ये दो सीधे एक ये बड़ा फंदा, दो सीधे एक और ये दो, दो सीधे एक ये बड़ा फंदा दो सीधे एक ये बड़ा फंदा ये दो सीधे एक और ये दो, ये लास्ट वाला फंदा आप इस तरह उल्टा बुन दीजिए। देखिए इस तरह से अब फ्रेंड्स इसको अब हम अब जो बुनेंगे वो हम इस तरह एक बिना बुने और ये देखिए दो उल्टे, ये देखिए एक बड़ा फंदा जो था ये वाला देखिए जो हमने बनाया था इसे बिना बुने दो उल्टे, एक बिना बुने बड़ा फंदा दो उल्टे, एक बिना बुने दो उल्टे, एक बिना बुने दो फंदे उल्टे, एक बिना बुने दो फंदे उल्टे, एक बिना बुने बड़ा फंदा। और फ्रेंड्स एक दो, ये लास्ट वाला फंदा भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। ये देखिए पीछे से इस तरह से इसका डिजाइन और आगे से इस तरह है। अब देखिए हमारी लास्ट है बिल्कुल लाइन, एक बिना बुने और ये देखिए ये जो बड़ा, ये एक ये जो बड़ा है आपके पास ये एक सीधा और ये देखिए जो आपका बड़ा फंदा था ना और ये शुरू का फंदा, इन दोनों को इस तरह सीधा बुनेंगे और एक फंदा उतार देंगे और ये बड़े फंदे को इसके साथ मिलाकर फिर एक सीधा बुन देंगे इस तरह से। ये देखिए फिर इस बड़े फंदे के साथ फ्रेंड्स पीछे से हम सीधा बुनेंगे और एक फंदा उतार देंगे और ये जो बड़ा फंदा है ये वाला, इसके साथ हम पीछे से फिर एक बार और मिला करके बुनेंगे। फिर ये देखिए बस इसी तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डिजाइन है और बहुत ही आसान डिजाइन है इस तरह। ये देखिए ये इस तरह और इसके साथ पीछे से भी हम दो बार बुनेंगे एक फंदे को, मतलब एक इस फंदे की साइड और एक इस फंदे की साइड दोनों तरफ बुनना है, तब ये थोड़ा फंदा खुलकर आएगा और खूबसूरत भी लगेगा। अब इस फंदे के साथ बड़े फंदे को मिलाकर बुनना है सीधा, फिर इस बड़े फंदे को नहीं छोड़ना, इसके साथ दूसरे फंदे को भी बुनना है इस तरह।
ये देखिए, फिर इसके साथ एक बीच वाले फंदे को भी बुनना है, ठीक है। और फिर आपने इसको इधर लाके फ्रेंड्स एक उल्टा बुन देना है। और अब इसके बाद की फ्रेंड्स पूरी लाइन आपने उल्टी बुननी है, देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजाइन तैयार हो चुका है। अब आप इसके ऊपर जैसे ये हमने व्हाइट वाला बुन रखा है ना, ये फ्रेंड्स ये लाइन आपने अब ऊपर बुननी है और इन्हीं लाइनों को रिपीट करनी है। और अगर आपको ये हमारा डिजाइन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।